Hi guys. पिछले कोरोना में हमने उनको बस टीवी पे देखा। आज जब रियलिटी में सामने देखा तो मेरे मुजबान पे तो उनका नाम भी नहीं आया। Hi. क्या नाम है इसका? Laughing. क्या चाहिए तेरे को? गाली देते तेरे को दिमाग। बहुत बेवकूफी वाली हरकत किया वो ये। Hey guys, welcome back to my channel. और आज फिर हम लोग कहीं निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ निकल रहे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग हुई तो है, बट सबसे पहले हम वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रोहित है, से हाय। और दिल्ली में मैं इन्हीं क्या रुका हुआ हूँ। बहुत लोग इनको नहीं पहचानते होंगे, तो कभी दिल्ली आइए और इनसे मिलिएगा, ठीक है? यस। कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग के लिए? प्लीज़, अविनाश सीरीज लिटरली बहुत अच्छा है। जब मैं इससे मिला, बहुत सही बंदा है, एंड इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना। थैंक यू। और बहुत अच्छे ब्लॉग भी बनाता है। अब ये भी आ गए ब्लॉग में। मेरे दोनों हाथ ही गंदे हैं। टिश्यू पेपर हो रहा है। तेरे हाथ साफ है ना? कहाँ से दोनों हाथ से उठा ले दोनों। छोटे के मत पकड़ो, मैं पकड़ रहा हूं। व्लॉग स्टार्ट कर दो। मेरे से शुरुआत मत करना। सही है, मेरे से बिल्कुल शुरुआत मत करना, मुझे काट देना। नहीं नहीं, चलो ठीक है, अभी एकदम अभी से स्टार्ट करो, फिर अभी से काट के डालूंगा। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो मैं ये सब डालूंगा। ये मैं हूँ, ये मेरी डबल चिन है। मम्मी ने कल अच्छे से बोलता हूँ। हाँ, वो कितनी कूल थी। हाँ। Hey guys. मम्मी ने अच्छे से हाय गाइस, बाय गाइस। कब बोलोगे? बोल दे यार, बैटरी रिफ्रेश हो रही है। हेलो, हाय गाइस। आगे क्या बोलूं? खराब कर देती। हाँ ओके, तो आज के दिन है क्या? तो मैंने अविनाश भैया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। हम उन्हें पराठे खिला रहे हैं, आलू के, जो पापा बना रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं। और उन्हें फर्स्ट टाइम बटर और पराठा। हाँ, और उन्हें फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं, पराठे खाए हैं, वो भी मक्खन के साथ। और आप यूजुअली मक्खन नहीं खाते शायद से भैया? नहीं खाता, मैं बस सैंडविच के साथ खाता हूँ बस। और वैसे नहीं, कैसे लगे पराठे? पराठे अच्छे हैं। एक और ये मैं सेकंड हो गया, बट हो गया, ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो गया ना। हां, बाहर भी जाना है। हां, आज का शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। रास्ते में कहीं पेट खराब हो जाए तो बाथरूम में नहीं मिलेगा। इस माहौल के बारे में बोलना है और बोलो, इन तीनों का इंट्रो दो। हां ठीक है, रोहित भैया सबसे बेस्ट भाई है, बहुत अच्छे हैं। क्यों? जितना क्लोज मुझसे रोशन नहीं है, उतना रोहित भैया है। इनसे मैं हर चीज़ें शेयर करती हूँ, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। इन्हें मुझे कभी डांटा नहीं है, हमेशा समझाया है। तो अगर मैं एक्चुअली बोलूँ ना, तो मैं उनके साथ अच्छे से पली बढ़ी हूँ, जितना राधे ने अपने रियल भाई के साथ ही हुई। तो रियल भाई के साथ जितनी बॉन्डिंग नहीं है, उतनी रोहित भैया के साथ सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग है। क्यों बचपन से क्यों नहीं मिले? हम इतने बचपन से मिले, हम साथ उनके यहाँ पे नाश्ता भी करने जाते थे। और नैना दी, नैना दी के बारे में क्या ही बोलूं, उनके बारे में जितना बोलूं वो तो कम है। नहीं, वो एक चीज के लिए अच्छी है, खाना अच्छा बनाती है कभी कभी। और बाकी हर चीज कंप्लीट कर देती है, कुछ भी बोलो बनाने के लिए वो एक्चुअली करती है, नो डाउट। और रोशन, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये मेरा रियल ब्रदर। हाँ, ही इज माय रियल ब्रदर, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लोगों को नहीं पता, और मैं चाहती भी नहीं लोगों को पता चले, अब तो पता चल ही जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है वो। हाँ, तो बस फिर ये है। अब अच्छा ये है कि ये जब ड्यूटी जाता है तो एक हफ्ते पूरे दिन घर पे मेरे को आराम मिलता है। मैं अपने घर पे राज करती हूँ, जब ये होता है तब दिमाग खराब हो जाता है, इसकी वजह से चार लोगों की वजह से भीड़ बढ़ जाती है। अविनाश जी हमारे घर पर हैं। हाँ, मेरे इस एज के बराबर, इसलिए ये नहीं अविनाश जी हम दोस्त बन सकते हैं। जिंदगी में थोड़ा सा मेरे से आगे चल रहे हैं। अरे नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी शादी कर ली तो बहुत खुशी। मैं तो और लोगों को बुलाने वाला था, शो ऑफ करता, देखो यूट्यूबर है मेरे। मैंने ये चीज़ कल रोशन को बोल थी, मैंने कहा मैं लाइफ में किसी भी कोई भी ब्लॉगिंग अगर करता ना, अगर मैं जिसे टीवी में देख रही हूँ, तो लाइफ में मेरा एक होता है एम कि मैं मिलूँ, मैं किसी से नहीं मिली।
तो आप मेरे लिए अविनाश भी है पहले होंगे जिनसे मैं कोई व्लॉगिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम मिली तो मिले वो सेलिब्रिटी से कम तो नहीं है, तो प्लीज एक जाने से पहले ना एक फोटो तो जरूर लेके चलेंगे। जो वो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला वो वैसे कहीं से हेल्दी नहीं हूँ, सारा खाना मेरा सिर्फ वहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों मैं कहीं से मोटी हूँ। अगेन दोबारा बिना हाथ हटा सिर्फ यहीं से ही और बाकी कुछ नहीं है। तो एक्चुअली जबरदस्त इनके सामने कैमरा ऑन करने का ये मतलब था कि ये भी ब्लॉगिंग करना शुरू करने वाली हैं, और इसके लिए इनकी मम्मी ने कहा था, तो बस मैं इनको जब तक हूँ तब तक इनको फोर्स कर रहा हूँ कि जल्दी से स्टार्ट करें। और प्लीज़ कमेंट करके बोलो रेशमा जी आप चैनल वाला हम सब्सक्राइब करेंगे और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब इनको सपोर्ट करिएगा, ठीक है? थैंक यू। बट बोलने में बहुत टास्क होता है, सही बोलो तो मुझे आता है। ट्राई कर, ट्राई कर। कुछ भी कर, देख मुझे तुमने उस टाइम पे कॉन्शियस कर दिया था। अविनाश जी हमारे घर पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। कल रात का डिनर भी साथ में किया, सुबह का ब्रेकफास्ट भी साथ में किया, और इतने पिछले कोरोना में हमने उनको बस टीवी पे देखा। आज जब रियलिटी में सामने देखा तो मेरे मुजबान पे तो उनका नाम भी नहीं आया। ए से तो इट वाज अ वेरी गुड सरप्राइज। और नैना जी को बहुत बहुत कोटी कोटी धन्यवाद। नैना जी तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम विद अविनाश। कई लोगों के लिए बड़े हैं मेरे एज के आसपास ही, इसलिए मैं अविनाश ही बोल रहा हूँ, और सीरियसली। और हम चाहेंगे कि आते रहिए, और मेरे ख्याल से अब तो मेरी मदर और देखेंगी। हाँ, मेरे मदर और फादर और देखेंगे, और कुछ डाउट इन्होंने क्लियर कर दिए। हमें लग रहा था कि कोई किसी का हस्बैंड है कोई, लेकिन वो किसी का वो निकले तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इन्होंने आंखें भी खोल दी कुछ चीज़ों में। तो मैंने किसी में आंखें खोली? अच्छा वही ना, ओके ओके। हमें यही लगता था कि गरिमा जी के हस्बैंड के साथ जो हाँ गाते हैं वो है। हाँ, बट गॉडसन और गरिमा दोनों भाई बहन हैं, और गॉडसन की वाइफ कोई और है। मैं कभी उनके घर जाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है? और ये आने वाले व्लॉगर हैं, तो इनसे प्लीज़ कमेंट करिए इस वीडियो में कि जल्दी से अपना चैनल स्टार्ट करें। कोशिश पूरी होगी, ठीक है? तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर भी कोई छुपा है? कोई तो है वहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना इंट्रो? केविन, मेरा नाम है केविन। मेरा नाम? केविन मां कुजूर। ओ, कुजूर। मुझे भी थोड़ा बहुत हल्का फोटो खींच ही लेता हूँ अभी कुछ कुछ। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो मेरी भी फोटो लाइक करें इंस्टाग्राम में, केविन की भी फोटो लाइक करें। केविन बहुत अच्छा फोटोग्राफी करता है, वो क्या बोलते हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी या कुछ भी थी उसको, हाँ वैसे बहुत अच्छा फोटोग्राफी करता है केविन मार्क खजूर का इसका इंस्टाग्राम है। आप उसके उसके पेज नहीं इंस्टाग्राम में जाए और केविन की फोटोज लाइक करें, क्योंकि यही हमारा रेशमा और मेरा जब भी मिलती हूँ यही हमारा फोटोग्राफर होता है। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे, मेरे लिए कुछ सरप्राइज था यहाँ आने के बाद। मतलब पूरी फैमिली ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मैं यहाँ पर आ गया तो अभी कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि कल टीवी पे ब्लॉग लगा है और सब टीवी देख रहा है, मैं यहाँ बैठा तो मेरे को भी देख नहीं रहा था। बट काफ़ी अच्छा लगा, सब लोग मेरे को देखते हैं और क्या ही बोलूँ। तब अलग ही ऐसा लगा नहीं था कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बस ऐसा था कि लोग मेरे को जानते हैं और बस मैं इनके घर आ गया हूँ मिलने के लिए। बट देखते हैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली कब आना होगा, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर मिलेंगे। ओके देन, आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। अरे और कोई है वहाँ पे? जल्दी 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 बाहर आओ, बाहर आओ। चलो बताओ कौन हो आप? इनके लिए कुछ प्रमोशन 50 रुपए वाला? ये बहुत छोटी सी क्यूट सी बच्ची है जिसको मैं 2-3 बार ही मिली, आपको पता भी नहीं था कि केविन की भी कोई बहन है। Okay. वो मेरे बर्थडे पता चला कि ये कौन है, मैंने कहा केविन की बहन, ये कब पैदा हुई, मैंने कहा इतनी बड़ी हो चुकी है। ओके, तो वो केविन की बहन है। ओके देन, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।
हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर मैं दिल्ली की गलियों में घूम रहा हूँ और अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ MKT मजनू का टीला और यहाँ पे मेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है। ज़्यादा स्पाइसी होगा ना तो फिर लाइक इतना और एक हो सकते हैं। क्या नाम है इसका? लाफिंग। लाफिंग आगे बस ये लाफिंग है। हंस क्यों नहीं रहे आप लोग? हंस रहे हैं। क्या है क्या है वो? और एक प्लेट कर दीजिएगा ना। हाँ इसमें नहीं है। तो ये एक्चुअली लाफिंग है और ये बहुत ज़्यादा तीखा रहता है बट ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है बट आराम से खाया जा सकता। नहीं मैं फिर नाम बोल रहा था। अभिलाषा बोली कि ये जो मोमोज खाते हैं वो खा सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ। बढ़िया टेस्टी है ना। हाँ मेरे तो ये फेवरेट है। पिछली बार नहीं खा पाए थे आज खाए। बढ़िया है लेकिन तीखा बहुत है। अब लगा तीखा। जो MKT है वो नॉर्थ ईस्ट साइड का ही मतलब एक टुकड़ा आपको दिखेगा। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले ही दिखेंगे और सारे शॉप वगैरह मोस्टली 95% उन्हीं का है। तो यहाँ पर आइए और जितने भी आपको नॉर्थ ईस्ट के सामान मतलब खाने पीने के कपड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या ही बताऊँ मतलब दिखाया था थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। और ये है MKT का चौक। यहाँ पर एक मंदिर यहाँ पर है और एक मंदिर यहाँ पर है। ये पूरा खुला एरिया है और यहाँ पर ये मैं बीच पे खड़ा हुआ मंदिर में। तो ये MKT का एकदम चौक है। यहाँ पर सारे मंदिर वगैरह हैं और मोमोज़ वगैरह सारी चीज़ें जितने भी फूड होते हैं वो तो पता नहीं है लेकिन जितने भी नॉर्थ ईस्ट के फूड होते हैं सब मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पर। आज सच में लेकिन एनर्जी एकदम ड्रेन हो गया ऐसे फील। क्यों दो चलो खिलाते पिलाते हैं आपको ठीक है। फिर आप ही तो हम लोग घुमाने वाले हैं। रिफ्रेश लगेगा। फ्रेश नहीं लगेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा ये टी शर्ट और ये कुछ जीन्स मैंने ले लिया है यहाँ पर और चेंज भी कर लिया। अब यहीं से आगे जाते हैं हम लोग। मेरा शॉपिंग हो गया आज का। अब सिर्फ घूमने का रह गया है और खाने का रह गया है। इनका चेहरा उतर गया है। कोई नहीं चलते आगे। तो आज मेरी लड़कियों का एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गया है पता नहीं क्यों क्योंकि मैं शॉपिंग कर रहा था इसीलिए। तो इनको भी थोड़ा सा कुछ खिलाते पिलाते हैं इनका एनर्जी ड्रिंक इन्हें एनर्जी बूस्टर इनको देते हैं और फिर इनको घुमाने के लिए निकालते हैं क्योंकि जब तक इनमें एनर्जी नहीं रहेगी अच्छे से हम घूम नहीं पाएंगे। इधर कैमरा पकड़ दो ना ऐसे हम लोग ना चेयर्स कर रहे हैं बस। चलो आओ आपका नीला क्या नीला समुंदर और ये क्या है कीचड़ हेज़लनट आइस स्टिक पता चला ये आया। अब एक मेरे फोन से भी स्टोरी के लिए अलग 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 होता है। मैं बताता हूँ रुको पहले ये कर लेते हैं फिर। हाँ तृप्ति सुशा है। नहीं नहीं फ्री हूँ बोलो बोलो। वो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था फोन। फोर्थ फ्लोर दौड़ के गया। फोर्थ फ्लोर दौड़ के आया वो इसलिए क्योंकि हम उस कैफ़े से निकल गए थे और बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत किया हूँ मैं। बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत किया हूँ वो ये कि मैं अपना कैमरा भूल के आ गया था वहीं पे। बट कैफ़े वगैरह में रहता है सिक्योरिटी रहता है। टेबल साफ़ कर दिए थे बट मेरा कैमरा वहीं था
थैंक यू कैफे। मेरा क्लास चल रहा है और राहुल को कर रहा हाय। इन डॉक्यूमेंट्री बनने लग रहा है मेरा मेरे घर में। हेलो क्या बोल रहे हो? मेरा क्लास ऐसे तो फोन में चिल्लाते रहे। क्या चाहिए तेरे को? लाइफ में तो गाली देते तेरे को दिमाग। हेलो हेलो छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया। जवानी गर्दा गेल बा और क्या बोलूँ मैं उसको उस पर ये मैं नहीं अब मैं बोलती हूँ। ये मेरा दोस्त है सागर। हे व्हाट्स अप। ये अमित। ये ज़ूम इन कैसे होता है? ऐसे होता है। वो राहुल है तो अपने बुकिंग से परेशान है। नैना दीदी सब उसमें टाते हुए हैं। ये हमारे कैमरा पर्सन। ये हमारे बिहारी बाबू यामागुची। यामागुची यामागुची कुछ बोलना रहता है उसमें। 6258 तो एक्चुअली मैं इस बंदी से ना बहुत इनके बारे में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तो इनके बारे में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। जोशमी ने मुझे इनके बारे में बताया था और आज इतने सालों के बाद इनसे मिलना हो पा रहा है यहाँ दिल्ली में। और ये यहाँ दिल्ली में ही शिफ्ट है और यहाँ पे क्या करते हैं बताओ कुछ बताओ। मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। मैं रॉक एजेंट हूँ तो मैं अपना सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मैं इनके चैनल में दोबारा आना चाहूँगी और अपना आइडेंटिटी रिवील करना चाहूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अवेट फॉर दिस चैनल। तो अभी इनका कुछ मिशन वगैरह चल रहा है तो इसलिए वो रिवील नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा कि वो क्या कर रही हैं। बहुत जल्दी पता चल जाएगा और कुछ प्रोजेक्ट्स भी साथ में अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। ठीक है वैसे ये बोलते बहुत है लेकिन कैमरा के सामने काफी नर्वस दिख रहे हैं। अभी मुझे मैं ऑफिस आके बहुत थक गया। मैं बाद में बात करूँ। ओके बस इतना ही था आज के लिए।